मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई होगा इफ वैल्यू ऑफ अल्फा होनी चाहिए क्या। तो हम चेक करते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज बताइए, डाइट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, कॉस स्क्वायर में प्लस कर रहे हैं ऐसे करके, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा जीरो जीरो, ये हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आई वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमें पता लगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगा जब टू कॉस अल्फा की वैल्यू वन होगा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा इफ, ये इक्वल होगा इफ टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू द वन, या कॉस अल्फा इक्वल टू द वन बाई टू, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स थ्री, कॉस पाई बाई थ्री, कॉस सिक्सटी का वन बाई टू, कॉस से कॉस कैसे देखते हैं इंप्लाइज अल्फा विल बी पाई बाय, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी को तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू पाई बाय थ्री हो, समझा।